पापड़ पैसे किन्ने दो अच्छा किन्ने पैसे देवा पैसे किन्ने देवा कितने कितने पैसे देवा बोझा जी कोई नहीं गा रही लाइक करो आज का मजेदार व्लॉग करते हैं स्टार्ट है अस्सलामुअलैकुम इसने तो व्लॉग स्टार्ट कर लिया लेकिन मैंने नहीं किया तो मैं सही से करता हूँ अस्सलामुअलैकुम गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अभी हम जा रहे हैं इसकी दवाई लेने के लिए इसको पेचस लगे हुए हैं चल के इसकी दवाई लेके आते हैं क्योंकि ये ना इसको मोशन जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज लगे हुए हैं इधर चले चले किधर जा रहा स्कूटर पे तो जा रहे हैं किधर जा रहे हैं आओ इधर चला के जा रहा आपको बता भी रहा है कि मैं चला रहा हूँ ये हम दोनों चाचा भतीजा ना इंशाल्लाह एक दिन सोशल मीडिया पे कामयाब हो के रहेंगे किन्ना लता पन्निया पान लो ऐसे सोशल मीडिया पे कामयाब हो के रहना है ना ऐसे ही ना इधर अच्छा ये चीजी तो जरूर आपने लेनी है ना वो तो आपने लेनी लेनी वो मैं आपको लेकर दूंगा अगर या ब्लॉग पे ना बोले तो चीजी फिर नहीं लेके देनी ठीक है ना कहता ठीक है ब्लॉग में नहीं बोलना ठीक चीज नहीं लेके देनी ऐसा ही ना क्लिनिक पहुंच गए ये रो रहा है यार हैदर टीका लगवाएं आपको लगवा लें यार मैं तो कहता हूं कि बस पुड़ियां लेके पीछे जाना यार ये तो रोने लग पड़ा अब क्या करें यार लगाएंगे इंजेक्शन आपको नहीं पुड़ियां बना ले फिर ये उसको दिखाएंगे और पैसे देंगे इसके चलेंगे कितने पैसे ले ली चलें बैठे ये पकड़े अपनी दवाई दिया लेकिन प्लास्टिक बैग जो है ना वो भरा लिया हुआ है पापड़ डाले नीमको केक बिस्किट सब कुछ ले लिया कि क्या क्या चीज ली है कौन सी चीज ली है कौन सी ली है वो तो पता है चीजी आपने ली है लेकिन ली कौन सी है बताने वाला ही नहीं अभी भी कह रहा कि लेनी है घर जा रहे अच्छा कर जा क्या करना है पापड़ खाना है बस इसका काम ये है फिर मोशन लगे इन पापड़ों की वजह से आपको मोशन लगे बिस्कुट अच्छा 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 बच्चा बिस्कुट खा लेगा जो बाग है ना मैं आपको पहले भी दिखाता हूँ वहाँ पे कोई कोच वगैरह खड़ी हुई थी साथ में दो लड़कियां थी ऑफिसर थी पुलिस वाली तो वो पता नहीं क्यों किस मसले से खड़े थे मुझे ये नहीं समझ आई कि कोई एक्सीडेंट वगैरह भी तो नहीं हुआ ना कोई सीधा घासा हुआ आसा हुआ तो हम छूटते भी इतनी देर का हुआ होता तो मैं अंदर थोड़ा सा सब क्या देखा वगैरह है लोग बाहर बैठे थे निकल के कोई और मसला होगा ये मुझे इतना कदम ना निकालो यार घर निकाल देना ठीक है तो अभी तो नहीं खड़ी हूँ इधर मुझे जन्नत लगती है माशाल्लाह बड़ा बारिश वगैरह आई है जामन के ऊपर जामन भी लग गए हैं पापा देख रहा है कि ये क्या कर रहा है
मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते से, खाले वाले रास्ते पे चलते हैं क्योंकि उधर फौजी होगी, रास्ते पे उन्होंने बंदे बिठाए होंगे क्योंकि उधर आगे रास्ता जाता है ना तो जगह कम होगी तो बंदे को थोड़ी सी शर्म आती है, तो उधर से नहीं आपन जाएगा, इधर से साफ रास्ता है, थोड़ा सा घट्टा भी नहीं है इतना, तो इधर से चले जाते हैं यह सबसे बेहतर है। बार आप इस थैले को क्या ना छेड़ रहे हैं वो आपको मसला क्या है बताओ ना मुझे, हैं अच्छे जी है? अभी हम डीजल लेने के लिए जा रहे हैं, अपना जो धान है ना वो पानी से रुक गया हुआ है तो डीजल लेने के लिए अभी हम कतर फोरा जा रहे हैं। दूसरा ये काम है कि अपना जो ट्रैक्टर है ना उसका पुराना जो इंजन ऑयल है वो भी चेंज करने वाला हो गया था, तो अभी वो भी लेके आना है पेट्रोल पंप से ही, तो वो भी उसका चेंज कर दें, वो समझ सब चलेगा, फिर उसके बाद तो चलते हैं। पंप हम पहुँच गए, पहले यहाँ से डीजल लेते हैं फिर इंजन ऑयल लेते हैं फिर घर चलते हैं, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। ये ट्रक खड़ा हुआ है ये जाएगा तो बाद में हमारी बारी आएगी, ये ट्रक खड़ा के पहले हम लाए लेंगे फिर उसके बाद जो लेना है फिर लेके सब चले जाएंगे। ये इसके कुत्ते और छोटी सी मक्खी मार दो पैसे, अंकल के साथ जा रहे हैं ध्यान से लाइल उठाते हैं फिर चलते हैं। इधर पौधे चेक करें माशाल्लाह कितनी छोटी है, एक डब्बा के दो और फिल्टर का और बस इधर फिल्टर नहीं लगे बोलन 400 तो हो गया, 470 रहते हैं और फिल्टर में ऐसे 470 बन गए हैं यार, रख देता है यहाँ। ये भी काम खत्म हुआ, अब डीजल लेने वाले रह गया, वो डीजल लेते हैं, कैन इधर पड़े हुए हैं, ढक्कन खोलते हैं, एक मोटरसाइकिल के साथ कैन है भराते हैं, साधन हो जाएगा छोटे 10 लीटर बढ़ते थे बाकी। डीजल वाला भी काम खत्म हुआ, डीजल भी ले लिया और फिल्टर भी ये ले लिया और ये मोबाइल पहले ट्रैक्टर में टैंकी में डालने वाला भी ले लिया क्योंकि डीजल के साथ डालेंगे तो अभी कैमरा मैं अपनी तरफ नहीं कर सकता, अभी चलते अपने घर। पहले हम घर से गैलन लेके आए थे ना, ये एयर कैलेंडर में डालना है खुला जो है ना मोबाइल, डीजल लेके आए थे सुबह सुबह तो डीजल चेंज किया, और डीजल नहीं मोबाइल चेंज किया, ट्रैक्टर का ऑयल चेंज किया, इंजन ऑयल, उसके बाद फिर वो चला दी, तो अभी कान जो है ना वो एक द्वार रह गया हुआ है तो उसको लेज़र करवाने वाला है तो वो भी लगा देंगे, तो इंशाल्लाह फिर काम ये वाला ख़त्म हो जाएगा। कैदर का व्लॉग आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा है, तो अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, वजह पता नहीं क्या। हमारा आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।